हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। जालौर के सुराना गांव के छात्र इंद्र मेघवाल का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। जालौर में श्री राष्ट्रीय राजदूत करणी सेना ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। श्री राष्ट्रीय राजदूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट कूच किया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर लोग कलेक्ट्रेट के घेराव करने के लिए पहुंच गए। उधर प्रशासन की ओर से प्रदर्शन स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक रास्ते में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए। इससे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां ताली बजाने या दो चार घंटे बैठने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने दो बार कलेक्ट्रेट और एसपी प्रदर्शन स्थल के मंच पर आकर ज्ञापन देने का अल्टीमेट दिया और नहीं आने पर हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कूच करने की चेतावनी दी, लेकिन कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। इस दौरान सभी लोग कलेक्ट्रेट कूच के लिए निकले। सुबह प्रदर्शन और रैली के लिए हॉस्पिटल चौराहे पर मंगलेश्वर महादेव मठ में हजारों लोगों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इससे पहले किसान नेता विक्रम सिंह पुनासा ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर खुलासा करे। उन्होंने कहा कि अगर छैल सिंह को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि अब हम शांति से बैठने वाले नहीं है, हमें क्रांति करनी आती है, हमें इतना मजबूर मत करें कि कानून हाथ में लेना पड़े। तो दोस्तों, राजस्थान के जालौर से बेहद ही बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।